सबने जीके की एक्शन बुक खोल ली है, पेज नंबर 6060। सबसे पहले बताइए व्हाट इज द डेट टुडे? डेट कौन सा बता? 25 10 25 तो डे कौन सा है सर? मंडे है। मंडे यस मंडे। ये पेज 59 का वर्क था। ओके ये सबने कर लिया है। अब पेज 60 ओपन करना है आपको। हाउस में रहता है। हाँ हाउस में पिक्चर डॉग है। ओपन हो गया, सबने कर लिया? यस यस मैम। जीके की एक्टिविटी बुक पेज नंबर 6060। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? इसमें एनिमल के बेबीज बने हैं, उनको उनके होम से मैच करना है। कल हमने होम्स पढ़े थे ना, किस एनिमल का कौन सा होम होता है। यस मैम। यस मैम। तो उनके बेबीज को उनके होम से मैच करना है। ओके लाइन ड्रॉ करके। यस पैरों। तो सबसे पहले कौन सा एनिमल है? डॉग बोलो। डॉग 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 की बेबी को क्या बोलते हैं? बेबी को क्या बोलते हैं? कैमल में पपी। उसके बेबी को पपी बोलते हैं और उसके होम को कैनल बोलते हैं। ओके उसके बाद नेक्स्ट है हॉर्स का बेबी। हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं? मैंने आपको लिखवाया था ना एनिमल्स और उनके बेबीज का नाम लिखवाया था कि नहीं? यस मैंने आपको एनिमल्स और उनके बेबीज का नाम लिखवाया था ना? यस मैम। हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, किसी ने याद नहीं किया है? सब कुछ पलट के देख रहे हैं, किसी ने याद नहीं किया है? सब वो इधर उधर करके देख रहे हैं। हॉर्स के बेबी को नहीं है ना? हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। हॉर्स का बेबी मैम बेबी हॉर्स। हॉर्स के बेबी को नहीं, बेबी हॉर्स नहीं बोलेंगे। तुम गलत आंसर दे। हॉर्स 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 हॉर्स। सोचिए सोचिए, आप लोग सोच के बताइए फिर मैं बोलूंगी। हाँ बस हंसी आ रही है संस्कार को। सब लोग लिख लीजिए, अगर नहीं लिखा है तो हमने जहाँ पे यंग वंस लिखे हैं वहीं पे लिख लीजिए। हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं? घोड़ा। फूल एफ ओ ए एल फूल। लिख लो टीचर। ओ ए एल यस एफ ओ यस ओ एफ। बेटा एफ बोर्ड देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है एफ नहीं एफ। आप नहीं दिख रहे। मैं नहीं दिख रही। हाँ बोलो। नहीं मारेंगे किसको किसको दिख रहा है?
मैमून ओके तो हॉल कहाँ रहता है स्टडी टेबल होता है स्टडी टेबल स्टडी टेबल नहीं बेटा स्टेबल एस टी ए बी एल ई स्टेबल स्टेबल उसके बाद शीप बेबी को क्या बोलते हैं शीप के बेबी को क्या बोलते हैं बेबी क्या बोलते हैं चंद्रांशु शीप के बेबी को क्या बोलते हैं चंद्रांशु शीप के बेबी को क्या बोलते हैं गलत लैम्प वेरी गुड शगुन लैम्प एल एम बी लैम्प तो शीप कहाँ रहते हैं बेटा पिन में पेन पी एन पेन बोलते हैं घर में पेन हाँ उसके बाद देखिए फिर हेन के बेबी को क्या बोलते हैं मुझे पता है यस और हेन कहाँ रहती है हेन कहाँ रहती है बताओ उसके बाद काओ के बोलते हैं यस और काओ कहाँ रहती है शेड में तो शेड से मैच करती है देखिए सबने ऐसे ही मैच किया है ना सब लोग इधर देखिए ऐसे ही हुआ ना एक बार चेक करिए ओके अब सब लोग अपनी ईवीएस की कॉपी ईवीएस की कॉपी जिसमें हमने एनिमल्स और उनकी यंग वंस का नाम लिखा था जो ऐसी वाली कॉपी है वो निकालेंगे सब लोग ओके ओपन करिए हेडिंग डालिए पहले इसमें कर रफ में करो उसके बाद फिर करना एनिमल्स बेटा माइक म्यूट कर लीजिए जिसके अभी आवाज हो रही है हेडिंग डालिए डेट डालिए और यहाँ लिखिए काओ कहाँ रहती है काओ कहाँ रहती है बेटा शेड में वेरी गुड शेड की स्पेलिंग बताइए संस्कार गुड संस्कार वेरी गुड फिर हॉर्स कहाँ रहता है हॉर्स कहाँ रहता है टेबल में टेबल बताओ टेबल में वेरी गुड शगुन टेबल की स्पेलिंग बताइए शगुन वेरी गुड शगुन आप बर्ड कहाँ रहती है कहाँ रहती है बताओ वेरी गुड नेस्ट की स्पेलिंग कौन बताएगा वेरी गुड संस्कार रिमझिम बताइए अच्छा रिमझिम वेरी गुड रिमझिम अच्छा संस्कार और रिमझिम की आवाज में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ओके डॉग कहाँ रहता है
डॉग कहाँ रहता है? केलन में। केनल की स्पेलिंग पढ़िए, के ई डबल एन। प्रखर रैट कहाँ रहता है? प्रखर बताएंगे, रैट कहाँ रहता है? प्रखर ये लिखो प्रखर रैट कहाँ रहता है? होल में। होल की स्पेलिंग बताइए। वेरी गुड प्रखर, एच ओ एल ई होल। लिखो अच्छे से। अब नेक्स्ट हेन कहाँ रहती है? तुम बताओ। हेन कहाँ रहती है? THEIRCOOP हेन कहाँ रहती है? कूप में। कूप में। Very good. त्रिशा। कोप की स्पेलिंग कौन बताएगा? वेरी गुड बेटा, सी ओ ओ पी, कोप। गुड। अब चीप कहाँ रहती है? चीप कहाँ रहती है? चीप कहाँ रहती है? एन। वेरी गुड त्रिशा। त्रिशा ने बताया शगुन। PEN पेन। वेरी गुड शगुन। त्रिशा ने भी बताया था, मैंने सुना है। वेरी गुड त्रिशा, वेरी गुड शगुन। PEN पेन। अब लायन कहाँ रहता है? डेन में। डेन में। डेन में। वेरी गुड। DEN डेन। लिखो बेटा। बेटा हेडिंग थोड़ी सी ये चेंज कर लो, मैंने मैन डॉगनर। एक मिनट बेटा, ये इसको सही कर लीजिएगा। खराब हो गया क्या? ये होगा एनिमल्स एंड वेयर दे लिव, मतलब एनिमल्स की होम कहाँ है, आपको ये लिखना है। ठीक है, डब्लू डब्लू एनिमल। इस हेडिंग को सही कर लीजिएगा। एन एन बोले, क्या बोले? एन बोले बेटा। दीदी मत कहा। आप पढ़ी लिखी जाओ।
R. Yes, E. Yes. मैं बैठा रहूंगा दीदी दीदी सब लिख लिया जल्दी जल्दी से शो करिए जल्दी से तुम आप करना बैठ। अच्छा ओके पहले मुझे त्रिशा से कुछ पूछना है त्रिशा बोलो बेटा सब लोग मैं पहला नंबर कितना अभी कोई अपना माइक ओपन नहीं करेगा सब अपना माइक ऑफ करिए मैम साइड होइए बेटा सब अपना माइक ऑफ करिए शकुन माइक बंद करिए संस्कार सब लोग यस त्रिशा यस मैम अच्छा मैंने आप लोग को ये आप एक बार कॉपी में अपनी देख देख के बताएंगी मैंने आप लोग को डोमेस्टिक एनिमल्स लिखवाए हैं बोलो यस मैम और वाइल्ड एनिमल्स लिखवाए हैं यस मैम शगुन माइक ऑफ करिए त्रिशा से पूछ रही हूँ आपसे नहीं हाँ डोमेस्टिक एनिमल वाइल्ड एनिमल और वो एनिमल और उनके यंग वंस के बारे में लिखवाया है कि डॉग का बेबी पपी होता है कैट की बेबी किटन लिखवाया है ना त्रिशा और अभी एनिमल्स yes, और उनके होम्स के बारे में yes, इतना हो गया ना बस त्रिशा yes, इतना हो गया ना बेटा yes, मैम ओके अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे एनिमल्स एंड व्हाट दे ईट मतलब कौन कौन से एनिमल्स क्या क्या खाते हैं ओके त्रिशा ओके और बर्ड्स के नेम लिखवाए हैं इंसेक्ट्स के नेम लिखवाए हैं यस मैम ओके ठीक है त्रिशा यही पूछना था त्रिशा गुड गर्ल है इसलिए मैं त्रिशा से पूछ रही थी बाकी सब बच्चे शोर मचाते हैं ओके अब सब अपना माइक ओपन करके बताइए सबने अपना वर्क कंप्लीट किया कि नहीं Yes, कौन दिखाएगा सबसे पहले अपना नेम बताइए शगुन 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 ओके शगुन दिखाइए बेटा थोड़ी कॉपी आगे करिए ना मुझे ना दिख नहीं रहा है सही से आप कॉपी थोड़ी सी आगे कर दिखा दूंगा ओके वेट करिए और रैट होल केनल नेस्ट टेबल शेड और नीचे करिए बेटा होल के नीचे नहीं दिख रहा है हाँ कोप पेन डेन वेरी गुड शगुन शगुन ने बहुत सुंदर सुंदर लिखा है
शगुन की राइटिंग बहुत सुंदर सुंदर लिखी है, वेरी गुड बेटा। चंद्रांशु दिखाइए, दिखाइए चंद्रांशु। मैं नहीं दिखा पाया, मैं क्लास में दिखा दूंगा। क्यों अभी क्यों नहीं? अभी आप क्या कर रहे थे जो आप नहीं कर पाए? चंद्रांशु मैं देख नहीं पाया। क्यों? लिखिए अभी से भी लिखिए, अभी क्लास ओवर थोड़ी ना हुई है, बैठ के आप लिखिए। संस्कार बेटा कॉपी में लिखना है। शगुन एक बार शगुन का वर्क देखिए, शगुन वर्क दिखाइए। शगुन का वर्क देख लीजिए चंद्रांशु। हाँ रिमझिम दिखाइए, रिमझिम थोड़ा सा और आगे करिए बेटा कॉपी अपनी। रिमझिम शगुन अब आप रख लीजिए बेटा। मैं नहीं दिखा दूंगा। बहुत आसान है आप चंद्रांशु। काउ शेड हॉर्स स्टेबल बर्ड नेस्ट केनल रैट होल कोप पेंडल। वेरी गुड रिमझिम, वेरी गुड रिमझिम बेटा, बहुत आपने भी सुंदर सुंदर लिखा है। हेडिंग बेटा आपने सही कर ली थी, हेडिंग जो गलत हो गई थी एनिमल्स एंड वेयर थे वो सही कर लिया। मुझे नहीं दिख रहा, रिमझिम ने ये सही कर लिया था। रिमझिम ओके, शगुन ने सही कर लिया था। आप कौन दिखाएगा? संस्कार दिखाएंगे। मैम ये सिक्स वाला नहीं दिखा मैम, मैंने सही कर लिया था। अब नहीं दिख रहा ठीक है? हाँ मैम अब दिख रहा है मैम। हाँ यहाँ लिखो COOO। जल्दी से आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे कॉपी दिखाइए। अब यहाँ लिखो सी, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ये है, यहाँ पे COOO। जिसका वर्क हो गया है वो बैठ के स्पेलिंग याद करेगा और कहाँ रहते हैं ये याद करेगा। याद करिए एनिमल्स कहाँ रहते हैं बैठ के, जिनका जिनका वर्क हो गया है। मैडम कहाँ रहते हैं एनिमल्स? आपने सिर्फ 7 लिखा है, यहाँ पे 8 एनिमल्स के नेम है। देखिए आपने कौन सा नहीं लिखा है, अपना वर्क पहले सही करिए। यहाँ लिखो एन, यहाँ लिखो पी, नीचे से लिखो पी, यहाँ से क्यों नहीं लिखो संस्कार? यहाँ से लिखना है पी ई एन, पी एन दिखा दूँ मैम। एल आई एल आई ओ थोड़ा सा बोर्ड पे भी ध्यान दिया करो। करो दिखाइए त्रिशा। एन सही से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ अब दिख रहा है केनल। दिखा दूँ मैं होल। बेटा केनल की स्पेलिंग गलत है त्रिशा, के ई। बेटा वेट करिए संस्कार और प्रखंड, त्रिशा का एक बार वर्क देख के सही करा दूं फिर आपका देखती हूँ। ओके बेटा
nest हम भी खेल कैसे ना हो stable den kennel hole एक त्रिशा आपने अभी एक ऊपर कौन सा लिखा है बताओ यार कोप वाला नहीं लिखा त्रिशा ने सी डबल ओ पी हेन कहाँ रहती है कोप में त्रिशा ने कोप वाला नहीं लिखा क्या त्रिशा तो भूल भूल जा रही है क्यों त्रिशा ओके संस्कार तब तक संस्कार का वर्क देखती हूँ त्रिशा अपना वर्क सही कर लीजिए जल्दी से संस्कार का वर्क हाँ पेन बेटे दोनों में पेन लिख दिया है क्या नीचे नहीं नहीं डेन है ठीक है बेटे ये थोड़ा और अच्छे से बनाइए संस्कार ऐसे संस्कार आ जाता है नहीं मैम 25 संस्कार डी और सुंदर अच्छे से बनाइए संस्कार थाउजेंड तरह लगता है ना यार सिम लिखो संस्कार अपना वर्क खुद से करा करिए बेटा जो गलत था वो उसको हमने सही कर दिया जाता है तो संस्कार आपको खुद से सही करना चाहिए ना अच्छा हो गया संस्कार का वर्क देख लू मैं पहले ऐसे लिखा था तो इतना हिलाइए मैं संस्कार हाँ स्टेबल नेस्ट कैंडल होल को पेन डेन ओके संस्कार गुड बर्ड डी अच्छे से लिखिए संस्कार बर्ड का डी सही कर लीजिएगा मैम देख लीजिए यस त्रिशा नाइन तारीख हाँ आप ठीक है त्रिशा का एक मिनट सही से दिखाइए हिलाइएगा मत त्रिशा शेड